नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को कार्ड की कुछ वोल्टेज बताना चाहूँगा। अगर आप लोग कार्ड रिपेयरिंग करते हैं तो आप लोगों को कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना होगा, कट नहीं करना होगा। अगर आप लोग कट करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि दोस्तों हमने आप मीटर को इसे 200 वोल्ट की रेंज पर रख लिया है, तो आप लोगों को इसे अपने मीटर को रख लेना होगा। रखने के बाद दोस्तों एक प्रॉब को आप लोगों को ग्राउंड पर लगा देना होगा और एक से दोस्तों आप लोगों को वोल्टेज चेक करने होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते होंगे यहाँ पर पहली पिन पर 3.2 या 3 वोल्टेज मिलने चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और दूसरी वोल्टेज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 12 से 16 वोल्टेज आनी चाहिए। और दोस्तों इसे और दोस्तों यहाँ पर 25 वोल्टेज या 24 वोल्टेज यहाँ पर मिलने चाहिए इस प्रकार। और लास्ट पिन पर 3.3 वोल्टेज मिलने चाहिए। और दोस्तों इसके मैं आप रेगुलेटर पर वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, रेगुलेटर पर कितने होने चाहिए। तो दोस्तों फिर आप लोगों को ग्राउंड पर लगा देनी होगी पहली प्रॉब को। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस प्रॉब को यहाँ पर चेक करना होगा वोल्टेज कितने। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड में बता देता हूँ कौन सा आप लोगों को जो दोस्तों दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को तीनों पिन पर कितने वोल्टेज मिलेंगे इसी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों पहली पिन को हम ग्राउंड पर रख लेते हैं और दोस्तों फर्स्ट पल से देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 1.7 या 1.8 तक मिलने चाहिए वोल्टेज। तो दोस्तों और दूसरे पे भी आपको 3 ही मिलने चाहिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 1.7 या 1.8, और इस पर 3.2 या 3 वोल्टेज मिलने चाहिए इस प्रकार दोस्तों। और दोस्तों इस प्रॉब की बात करें, यहाँ पर आप लोगों को 19 वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों आप लोग कहीं पर भी कार्ड की सप्लाई को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी डाउट पर इतने वोल्टेज मिलने चाहिए जितना कि आप लोग देख रहे होंगे। इस तरह दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज IC पर चेक करें, तो दोस्तों IC पर भी आप लोगों को यहाँ पर 3.2 या 3 के आसपास मिलने चाहिए। इस तरह दोस्तों आप लोग इस वोल्टेज को चेक करके अपने कार्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे दोस्तों आप लोगों को यहां पर अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं आप लोगों को देता हूँ धन्यवाद।